हाय गाइस, आज हम लोग अगेन Redmi Note 11 Pro की कंप्लीट कंफर्म स्पेसिफिकेशंस को लेकर बात करने वाले। अब देखो, आपको लग रहा हो कि ये बंदा हर रोज़ Redmi Note 11 सीरीज से जुड़ी ही वीडियोस बना रहा है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि Redmi Note 11 सीरीज की हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट्स आ रही है, जिसके थ्रू एक एक फीचर को कन्फर्म किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि एक साथ ही सभी फीचर को कन्फर्म कर दिए गए, तो इसलिए जितने भी फीचर्स ऑफिशियली कंफर्म होते जा रहे हैं वो मैं आपको एक एक वीडियो के साथ अपडेट करता आ रहा हूँ। और आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बाहर आ चुकी है Redmi Note 11 Pro से जुड़ी, मतलब छोटे से लेकर जितने भी बड़े बड़े फीचर्स है वो सभी कंफर्म हो चुकी है, जिसे लेकर आज हम लोग बात करने वाले। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग द टाइम आज की इस वीडियो को हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर दें। तो आज हम लोग सबसे पहले Redmi Note 11 Pro की अंदर की कंफर्म फीचर्स को लेकर बात करेंगे, लाइक डिस्प्ले, परफॉर्मेंस एंड कैमरास को लेकर। उसके बाद हम लोग बाहर की बिल्ड क्वालिटी एंड लुक एंड डिज़ाइन की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग इसकी डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो डिस्प्ले ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, 6.67 इंचेस की ही बिग बड़ी डिस्प्ले इस बार भी हमें देखने को मिलेगी, जहाँ पे फुल HD प्लस के साथ एमुलेट डिस्प्ले होगी एंड यहाँ पे 120 हर्ट्ज के साथ 360 हर्ट्ज की टच सेंटीग्रेड का सपोर्ट दिया जाएगा। एंड डिस्प्ले के अंदर और भी काफ़ी सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फीचर भी इस बार ऐड किए जाएंगे, मतलब Redmi Note 11 सीरीज के अंदर जो डिस्प्ले दिया गया था उससे काफ़ी हद तक इस बार अपग्रेडेड होगा। बाकी कैमरास की बात करें तो इस बार प्रो वेरिएंट के साथ ही हमें रियर पे 108 मेगापिक्सल की ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया जाएगा। 108 मेगापिक्सल की मेन कैमरा होगी, जहाँ पे सैमसंग की HM2 सेंसर को ही यूज किया गया है, लेकिन इस बार बेटर ऑप्टिमाइजेशन होने वाली है Note 10 Pro Max से, क्योंकि वहाँ पे भी HM2 सेंसर थी लेकिन इस बार प्रोसेसर डिफरेंट होगा, तो कैमरास को भी यहाँ पे डिफरेंट तरीके से ही ऑप्टिमाइज किया जाएगा, जो कि उससे बेटर इमेज क्लैरिटी दे सकता है। बाकी 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल होगी, जहाँ पे सोनी IMX 355 सेंसर को यूज किया गया, तो हाँ मिड रेंज सेगमेंट के अंदर बेटर अल्ट्रा वाइड इमेजेस देने वाला है। बाकी 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर। फ्रंट सेल्फी की बात करें तो सेंटर पंच होल कटआउट के साथ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी का सपोर्ट दिया जाएगा, तो कैमराज यहाँ पे डिसेंट होने वाले। अब आते हैं हम लोग इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। तो इस बार ये स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ आने वाला है, जहाँ पे MediaTek Dimensity 920 5G प्रोसेसर को यूज किया गया है। अब ये प्रोसेसर जो 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर क्लॉक्ड होगा और इसकी एंतुदू बेंचमार्क स्कोर भी रिवील कर दी गई है, 5 लाख के प्लस एंतुदू बेंचमार्क स्कोर दे देता है एंड माली G68 MC4 ग्राफिक पे बेस्ड होगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो बेटर परफॉर्मेंस, बेटर बैटरी एफिशिएंसी के साथ साथ बेटर ग्राफिक देने वाला है, तो हाँ परफॉर्मेंस वाइज भी यहाँ पे कोई भी डॉट मत रखना। लेकिन हाँ, हो सकता है कि इंडियन वेरिएंट के साथ हमें प्रोसेसर को लेकर कुछ चेंजेस देखने को मिले। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के कोई 5G प्रोसेसर के साथ हमें इंडियन वेरिएंट देखने को मिले, बट इस पर अभी 50-50 ही चांसेस है। फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि MediaTek Dimensity वाली प्रोसेसर अच्छी होगी या क्वालकॉम की स्नैपड्रैगन वाली, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी आते हैं हम लोग इसकी बैटरी एंड चार्जिंग स्पीड की तरफ। तो 5000mAh की बिग बड़ी बैटरी का सपोर्ट मिलने वाला है, जिसे चार्ज करने के लिए 67W की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया जाएगा, तो हाँ चार्जिंग स्पीड यहाँ पे काफ़ी हद तक अपग्रेडेड होने वाली है। तो ये थे यहाँ पे Redmi Note 11 Pro की अंदर की कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स। अब आते हैं हम लोग कुछ अदर छोटे मोटे फीचर्स की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको JBL की तरफ से आने वाला डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट दिया जाएगा, 3.5mm जैक भी मिलने वाला है एंड प्राइवेसी को लेकर इस बार भी आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ही दिया जाएगा। इसके अलावा NFC का सपोर्ट होगा, VC लिक्विड कूलिंग का भी सपोर्ट मिलने वाला है, तो यहाँ पे हीटिंग इशू आपको काफ़ी कम मिलने वाली है। साथ ही NFC के साथ साथ X-एक्सिस की तरफ से आपको लीनियर मोटर मिलने वाला है, मतलब यहाँ पे हैप्टिक फीडबैक काफ़ी बेटर रहने वाली है। रैम रोम वेरियंट की बात करें तो 6 128GB की बेस वेरिएंट से स्टार्ट होगा, 8 128GB बीच वाला वेरिएंट होगा एंड 8 256GB सबसे हायर वाला वेरिएंट होगा, जो कि LPDDR4X रैम टाइप को सपोर्ट करने वाला है एंड UFS 3.1 स्टोरेज टाइप को सपोर्ट करने वाला है। प्राइसिंग की बात करें तो इसकी चाइनीज प्राइसिंग लीक हो चुकी है, बताई जा रही है कि इसकी जो बेस वेरिएंट होगी 6 128GB वो 1599 yuan पे चाइना पे लॉन्च होने वाला है। अगर हम इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो कुछ 18,000 के आसपास होता है, मतलब 18,000 के आसपास, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे इंडिया के अंदर नहीं आएगा, थोड़ी सी प्राइजिंग ऊपर हो सकती है लेकिन 20,000 के नीचे ही होगा। अब आते हैं हम लोग इसकी बाहर की बिल्ड क्वालिटी की तरफ।
तो सबसे पहले बैक में एजी ग्लास बिल्ड को यूज किया गया है एंड फ्रंट पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स, साथ ही साइड एल्युमिनियम मेटल फ्रेम के होने वाले जो कि फ्लाइट होंगे। तो इस बार आपको डिफरेंट फिलअप भी मिलेगा इस नोट 11 सीरीज के साथ। तो अगर आप रेडमी नोट 10 प्रो के यूज़र हो और आप लोग पूछोगे कि अपग्रेड होना चाहिए या नहीं, तो हाँ आपको डेफिनेटली रेडमी नोट 10 प्रो से नोट 11 प्रो पे अपग्रेड होना बनता है, क्योंकि काफ़ी सारे फीचर यहाँ पे अपग्रेडेड होंगे। तो ये था यहाँ पे रेडमी नोट 11 प्रो से जुड़ी सभी कन्फर्म डिटेल्स सिवाय इंडियन लॉन्च डेट को छोड़कर। अभी तक कोई भी इंडियन लॉन्च डेट नहीं आई है कि कब तक ये स्मार्टफोन सीरीज इंडिया के अंदर लॉन्च होगा। अगर आगे इन फ्यूचर कोई भी लीक्स वगैरह आती है, कोई भी एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट आती है, तो मैं आपको सबसे पहले किसी वीडियो के साथ इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो तब तक के लिए चलता हूँ, मिलते किसी के लिए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड